तमिल म्यूजिक में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वो होता है जो मटका बजाते हैं ना, एक तो ना बहुत ग्रूवी और कैची और डांसिंग वाला, हिप हॉप वाला फील वाला, बिल्कुल वो बिल्कुल। जो फ्लेवर आ रहा है ना वीडियो का सबका, वो बिल्कुल साउथ का नीची लेवल है। हाँ अनएथिकली थोड़ा सा मैं साइको हूं जब मैं माइक पे बिल्कुल। आता हूं। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वी आर ज्वाल ब्रदर्स, आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे फैम, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड आज हम जो ट्रैक एंड जो आर्टिस्ट आपके लिए लेके आए हैं यार, वो अगर बात करें तो इंडियन हिप हॉप सीन में, रैपिंग में बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं, बहुत पुराने आर्टिस्ट। मतलब इंडिया में जब रैपिंग का वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, जो मतलब पुराने से पुराने आर्टिस्ट आप सोच सकते हो, उनमें से वन ऑफ देम है एंड ही इज फ्रॉम द साउथ साइड, फ्रॉम तमिलनाडु से वो बिलोंग करते हैं एंड उनका नाम है ब्रदर वी। तो गाइस, उनका भी कुछ महीने पहले ही एक बहुत नया ट्रैक आया था एंड हमने आज तक इनके गाने पे कभी रिएक्ट नहीं करा, तो हमने सोचा जो इनका लेटेस्ट ट्रैक है उससे ही हम स्टार्ट करें। तो इनका भी 3-4 महीने पहले एक गाना आया था मोदू करके, राइट, हमने उसको पिक करा है गाइज। और अगर बात करें तो म्यूजिक लिरिक्स और जो परफॉर्म करा है वो ब्रदर वी ने ही करा है, मिक्सिंग भी ब्रदर वी ने खुद करी है, मास्टरिंग आपके क्रिस गेहरिंगर ने करी है, वीडियो डायरेक्टर एंड डीओपी है विवियन एम्ब्रोस, गैफर है सागर अधातकर एंड एडिटर है आपके अश्विन अजीत। तो गाइज, ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में, अब थोड़ी जानकारी आपको भाई देंगे चैनल के बारे में। लेट्स गो। और भाई आज ब्रदर वी को हम उठा के लाए आपके सामने, एक बहुत ही वर्सेटाइल रैपर है, तमिल और खास करके इंग्लिश में रैप करते हैं। तो गाइज चलिए, होप आप हमारा रिएक्शन पसंद करेंगे, साथ में करते हैं रिएक्शन। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइज हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर उपस्थित हैं हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से, तो जाके हमें वहाँ भी फॉलो करिए। और अगर आप स्पॉटिफाई पर हिप हॉप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो हमारी पॉडकास्ट भी सुनिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट। यस गाइस, एंड चलिए अब थोड़ा सा तमिल फ्लेवर एंड इंग्लिश फ्लेवर का मजा लेते हैं एंड देखते हैं ब्रदर वी इस ट्रैक में क्या कह रहे हैं। सो लेट्स गो, लेट्स रिएक्ट। Talk it up, we stay fly. Play smart like a chess with AI. I'm all the buzz like beehives. The rapper your moms want y'all to be like. On the mic, I'm unethically psycho. I'm infinite like the decimal in Pygos. The boy got off the pavement, so now I be quick to snap like Caymans. You can now see the nerve of my tribe. You deemed as dirt. Overcame hurdles and climbed mountains to look at you, look at us, see the world. Every day is the same story with these haters calling my bungalow. Envious of the heights that we've been reaching while they stuck at the bottom like underscores. Your curses attract my yawns. I'm a shark in a mackerel pond. The only time I let you feel powered is when you eyeball me with no glasses on. Move it. Move it. एक चीज कहना चाहूंगा, एक तो ना जो टैमिलियन पीछे वो बन रही बज रही है ना पाइप टाइप का जो, हाँ, जो होता है जो होता शादियों है। में बहुत ज्यादा कैरनेटिक म्यूजिक, हाँ, और एक जो तो बजी उनका वो होता है, वो हमारे यहाँ ढोलक ढोलक होती है पर उनके यहाँ थोड़ा सा एलिप्टिकल शेप होती है, वो ऐसे करके मतलब बीच में से वो थोड़ी वो होती है, साइड से फिर वो पतली एक तरफ से छोटी होती है और इस तरफ से बड़ी होती है, वो इस तरीके से बजाई जाती है। गाइस वी डोंट नो द पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट, पर उनके सैंपल्स सैंपल्स उठाए हुए हैं। और एक चीज मुझे लगता है जो तमिल म्यूजिक में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वो होता है जो मटका बजाते हैं ना, हाँ, उसके पीछे से ना हल्की सी थिरकन की आवाज आ रही है जैसे वो बसता है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्योर पीछे जो है ना वो कर्नाटिक तमिलियन इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं और बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है गाइस गाने का, उससे पूरा पता चल रहा है तमिलियन फ्लेवर है। एंड दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने मतलब एक तो ना बहुत ग्रूवी और कैची और डांसिंग वाला हिप हॉप वाला फील वाला जो बना रखा है ना, आप उसमें देख भी रहे हैं आपकी जो जितने भी डांसर जो कर रहे हैं तो वो हिप हॉप ही कर रहे हैं, हिप हॉप ही कर रहे हैं, हिप हॉप परफॉर्म कर रहे हैं, वो जिस तरीके कर रहे हैं कपड़े पहन रखे हैं वो उस तरीके के टैमिलियन स्टाइल ड्रेसेस ही हैं, थोड़ा सा उन पे चेंजेस किए गए हैं अपने हिसाब से, अपने वो जो फ्लेवर आ रहा है ना वीडियो का सबका, वो बिल्कुल
साउथ का नीचे बिल्कुल तमिलियन स्टाइल वीडियो बना हुआ है, पूरी तमिलियन स्टाइल में करा हुआ है और बहुत ही भयंकर कर रहे हैं, मतलब जिसे कह रहे हैं ना पूरा ग्रुप, और स्टार्टिंग उन्होंने जो स्टार्ट करा है यार वो बहुत ही खतरनाक है। और मुडू का मतलब जो होता है वो होता है शट अप, मतलब किसी को चुप कराना या शट अप कहना होता है मुडू, तो वो शायद स्टार्ट ही यही कर रहे हैं, क्या छोटे मोटे रैपर हैं ये, कौन है यार ये, तो वो बोलता है भाई तू चुप रहा है अदर शट अप करके, उधर बोलता है मूव इधर उधर हो जाओ, उठे उठे मतलब मूव, तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई आई एम ऑल बज लाइक बीहाइव्स, जैसे बीस का जो मधुमक्खियों का झुंड होता है ना, तो वो आपस में मिलता है तो उसकी तरह एक बज आती है मेरे से, और आई एम ऑल बज द रैपर योर मॉम्स वॉन्ट यू ऑल टू बी लाइक, और मतलब जो तुम्हारी मॉम्स उस तरीके का रैपर तुम्हें हूँ वो मैं हूँ, तो ये अनएथिकली थोड़ा सा मैं साइको हूँ जब मैं माइक पे आता हूँ एंड ये सारी चीजें बोल रहे हैं, या बॉय गॉट ऑफ द pavements and now I'll be quick to snap the camelins right. और एक चीज और बोल रहे हैं, ये लाइन देखो ना यार, ऑन द माइक आई एम अनएथिकली साइको, आई एम इनफिनाइट लाइक द डेसिमल इन द पाई गोज, क्योंकि अगर आप पाई की वैल्यू देखोगे 3.14 होती है, पर अगर आप उसे बढ़ाते चले जाओगे तो उसका लिमिट नहीं है, वो इनफिनाइट है, मतलब अनंत तक है वो वैल्यू, निकलती रहेगी आपकी निकलती, तो आप देख सकते हो कि मैथमेटिकल वो रेफरेंसेस भी दे रहे हैं, जैसे पाई का रेफरेंस दे दिया उन्होंने, तो ये है जैसे टैमिलियन फ्लेवर है, फ्लो बहुत अच्छा दे रखा है, फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है ब्रोडा वी का भाई का, जब इंग्लिश में तो रैप जाना ही, वो उनका उनका फोटे इंग्लिश और अपनी तमिलियन, क्योंकि हिंदी उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो वो खुद भी बता रहे थे, और एंड पर दोनों बाकी अपनी जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है एंड जो इंग्लिश है उसमें उनकी कमांड बहुत ही बैंगर यार, मतलब हमारे यहाँ के यार सबसे पुराने रैपर्स, पाइनियर्स ऑफ रैपर्स आप कह सकते हो आप इंडिया के, इतने पुराने मतलब ये आप लगा लीजिए 2007-8-6 के टाइम के रैपर हैं ये, और वो मतलब शुरुआत में इन्होंने ना प्योर इंग्लिश रैप से ही शुरू किया था, और भाई आप इनका आइगर नंदिनी सुनिएगा, संस्कृत के वर्ड्स, तमिलियन वर्ड्स, वो पूरा उसमें, वो तो पूरा रैप रॉक है जो आइगर नंदिनी है, वो भी बहुत गजब ट्रैक है इनका यार, वो अब वो आगे भी कह रहे हैं गाइस यू कैन नाउ सी द नर्व ऑफ माय ट्राइब, यू डीम्ड अस डर्ट, overcame hurdles and climbed mountains to look at you at us see the world, तो वो बता रहे हैं गाइस कि तुम हमारी ट्राइब को और हमें बहुत एक डर्ट की तरह वो समझते हो, पर तुम्हें पता नहीं कि मैं कितने हर्डल्स को, कितने माउंटेन्स को, कितनी कितनी चीजों को पार करके मैं इस सिचुएशन में पहुंचा हूं, और एवरी डे एक सेम स्टोरी है विद दीज हेटर्स, कॉलम बंगलो एंड एनवीशियस ऑफ द हाइट दैट वी बीन एंड रीचिंग वाइल दे आर स्ट्रक एट द बॉटम लाइक underscores, तो यार मतलब वो पूरा बता रहे हैं कि haters को भी, अपने ops को भी वो point out कर रहे हैं, और उनको भी जरा वो कर रहे हैं कि भाई तुम्हें पता नहीं है क्या हसल मेरी रही है, कैसे कर कर के आया, तुम बस दूर से नजारे ले रहे हो, लेकिन actual में मैं, मुझे पता है मैं क्या 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 घिस घिस के मैं पहुंचा हूँ। और ब्रोडवी का अगर आप देखोगे ना, ब्रोडवी का जो फ्लो है ना वो ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ फ्लो है, बिल्कुल जैसे आजकल मतलब छोटे छोटे वर्ड्स में राइमिंग करवाते हैं ये, जैसे अगर आप इनका देखोगे ना तो इनके वर्ड्स बहुत ज्यादा राइम करते हैं, मतलब वर्ड्स लाइन बार्स में राइमिंग करते हैं, वर्ड प्ले और राइमिंग का वो बहुत अच्छा होता है, तो ये जो होता है इस स्टाइल ऑफ जो रैप होता है ना, ये ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ रैपिंग में आता है, तो मतलब गजब यार, और इनको कब से सुन रहा हूँ यार मैं भी ना, ये एक लौते उस टाइम पे रैपर हुआ करते थे इंग्लिश स्टाइल ऑफ हिप हॉप किया करते थे, और उस मेरे ख्याल से साउथ साइड से आई थिंक यही रैपर थे जिनको नॉर्थ वगैरह में भी सुना जाता था, क्योंकि उस टाइम के इनिशियल रैपर्स थे, और आई थिंक ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ कहीं ना कहीं गाइस हम ये जरूर बोल सकते हैं यार उस तरह का लोगों ने इन्हें वो नहीं करा है, रिकॉग्नाइज नहीं करा है, बट ही डिजर्व एवरीथिंग, क्योंकि यार उन्होंने स्टार्ट करा है, जो स्टार्टिंग सीन रहा है इंडिया में रैपिंग का उसके एक बहुत मेजर पिलर है ब्रदरवी, तो बहुत सही, और आज लोग उन्हें सुन रहे हैं, उनको वो चीज मिल रही है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। Man, I'm the chala and tethered, thrown a melon, now Wakanda forever. Your matcha be popping like cutties, pull your leg and I ain't talking kabaddi. Stumble and fall and I'll be amused, you ain't a Sasquatch to walk in my shoes. Chin up for you, from the gully, get a fat checks like a fed him on Aspati. My ops think we should fall to my defeat, while I see profits in my sleeve. Clone yourselves and still could not be self-made. Y'all are rip-offs and templates, I'll run you all cause I've come to whoop you with a godly flow like the Brahmaputra. I know it's a certain fact, for the work that I put in I deserve to grab. Why not, or else I must be. Nuts to stay this grounded like chutney, and it's okay if this ain't the thing you're into, cause I'll keep going no
over your heads like Sindoor. Carnatic joke. थोड़ा अलग टाइप ही टाइप का होता है वो आगे से ना जैसे सैक्सोफोन होता है ना थोड़ा सा खुला हुआ होता है पर वैसी ब्लैक कलर का होता है उसके उसपे चढ़ा हुआ होता है. भाई मतलब बहुत ही सेक्सी बना रखा है गाना ना और बहुत ग्रूवी है. आप मैं सही बताऊं इसमें अगर आपको हिप हॉप कोरियोग्राफी करनी हो ना तो बहुत सही बन के आएगी गाइस. एक चीज है बहुत सही, अगर आप ब्रॉडा वी को देखोगे ये ऑफ कोर्स इंग्लिश में रैप करते हैं पर ये ना अगर आप इनके रैप सुनोगे ना जैसे आयगर नंदिनी हो गई और रामा क्या था पूरा हिंदू आपने इंडियन कल्चर को वो करते हैं बारे में रिवर्स के बारे में जो पुरानी रिवर्स है या वेदास के बारे में आपको ना इनके रैप्स में सुनने को मिलेगा एक्सटेंसिवली लिखा हो. बिल्कुल 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 कई बार बहुत अच्छे तरीके से वो करते हैं और हमारे कल्चर को हमारे जो चीजें हमारे वैदिक जो सारे कल्चर्स हैं या हर एक पौराणिक जितने भी शब्द हैं जो यूज हुए थे या वो उन सब का इस्तेमाल बहुत सही करते हैं गाइस. कभी भी और अपनी लैंग्वेज में आते तो फिर तो बहुत ही भयंकर हो जाते हैं. आगे फिर उन्होंने ब्रह्मपुत्र फ्लो बताया अपने जैसे और इवन रिवर्स के नाम लिए सिंधु का नाम लिया है तो बहुत बहुत सही वो कर रखा है गाइस उन्होंने बहुत ही. तो वो यही बोल रहे हैं कि योर कर्स अट्रैक्ट माय योन्स आई एम अ शार्क इन अ मैकरल पॉन्ड द ओनली टाइम आई विल फील आई लेट यू फील पावर इज व्हेन यू आई बॉल विद नो ग्लासेस ऑन. माय गॉड नाइस. फिर वही वो यही बोल रहे हैं कि जब मैं तू गालियां देता रहे मैं मेरे मुझे तो मैं तो जमा ही लेता रहूंगा मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं आई एम चिल. ठीक है आई एम अ शार्क इन अ मैकरल पॉन्ड जो पॉन्ड है उसमें जो सबसे बड़ी मछली हूं ना वो मैं हूं भाई तुम सब चूहे हो वो मेंढक होते हैं ना जैसे छोटे छोटे तुम वो. ठीक है तो यार और कह रहा है कि तुझे आई विल लेट यू फील पावर इज व्हेन योर आई बॉल विद नो ग्लासेस ऑन ताकि जब तुझे दिखे ना तब तुझे लगेगा कि मैं तेरे सामने हूं नहीं और तू तब पावरफुल मतलब महसूस करेगा करेगा. अभी अभी तो मेरी एक्चुअल वो देख ही नहीं पा रहा है जब तू देखेगा तब तेरे को वो पता चलेगा. अच्छे राइटर की ना एक अच्छे राइटर की सबसे राइटर या लिरिसिस्ट जो होते हैं लिरिक्स लिख रहे हैं जो उनकी सबसे बड़ी वो एक अच्छा लिरिसिस्ट एक एवरेज और एक अच्छे लिरिसिस्ट में ना बहुत अच्छे लिरिसिस्ट में यही डिफरेंस होता है कि अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो ना तो आप उसका रेफरेंस दोगे जैसे आई एम अ शार्क इन अ मैकरल पॉन्ड. हां मतलब विद एग्जांपल समझा रहे हो आप विद एग्जांपल या विद रेफरेंसेस कोई मुहावरा मार दिया लिकोक्तियां दे दी उस तरीके की ना वो चीजें आप यूज करते हो अपने लिरिक्स में वो यहां पर दिखता है यार देख रहे किस तरीके रेफरेंस मार रहे हैं उसमें उसमें ऐसा होता है ना आपने जैसे रेफरेंस मारा रेफरेंस से क्या होगा जैसे आपको रेफरेंस समझ में आएगा ना किसी भी व्यूअर को वो पूरी कहानी समझ आ जाएगी क्योंकि वो रेफरेंस सारी कहानी अपने आप एक्सप्लेन कर देगा. तो इसीलिए गाइस रैपर्स जो होते हैं जो अच्छे रैपर्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंसेस यूज करते हैं बताने के लिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. और आपको ना हो सकता है कि वो जितना जो एक एवरेज लिखने वाला होगा ना वो जितना तीन लाइन में समझाएगा ना एक एवरेज रैपर उसे एक वर्ड कहेगा और आप उसका पूरा रेफरेंस समझ जाओगे. ये ना ये एक तो धीरे धीरे करके आता है जब आप लिखते रहते हो आप और इनोवेटिव होते रहते हो अपने राइटिंग स्किल्स के साथ तो तब ये चीजें आती हैं. अब देख लो ना द ओनली टाइम आई विल लेट यू फील पावर इज व्हेन यू आई बॉल विद नो ग्लासेस ऑन. तो वो ये बोल रहा है कि भाई जब मैं तेरे मैं तुझे दिखूंगा नहीं तभी तू सबसे ज्यादा पावरफुल. तो इसको कहने के और भी तरीके हो सकते हैं पर बंदे के कहने का तरीका मेरे ना होने के वजह से जो तू देख नहीं पा रहा है तो तू पावरफुल फील कर रहा है. जैसे तू जिस मोमेंट तू मुझे देख लेगा तेरे को पता चल जाएगा कि असली पावर क्या है. भाई गजब लिखा हुआ बहुत सही लिखा आगे भी भाई उन्होंने बहुत सही लिखा हुआ है कि योर मचा बीन पॉपिंग लाइक कटीज. मचा बेसिकली होमीज जो आपके होम में होते हैं उनको तमिलियन उसमें बोलते हैं एंड कटीज इज लाइक पिंपल्स राइट. तो पुल योर लेग एंड आई एंट टेकिंग कवर दिस स्टैम्बल एंड फॉल एंड आई विल बी अम्यूज्ड यू एंट अ सेस्क्वाच टू वॉक इन माय शूज. भाई मतलब तो क्या भाई वो बोल रहे हैं कि भाई तू इतना कैपेबल नहीं है ना कि तू अभी मेरे शूज में चल सके मतलब सही बात जो है. पीछे का मेरा स्ट्रगल है जो मैंने जो अपना मुकाम बनाया ना तेरी औकात नहीं है कि तू उस मुकाम पे अभी पहुंच सके. एक एक अपने मेरे जो टांग खींच रहा है या वो कर रहा है पर तू आके तो देख जब तू मेरे जूते पे आएगा तुझे पता चलेगा तू स्टंबल एंड यू विल फॉल. ब्रॉडवी जो अगर ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ हिप हॉप आप सुनना पसंद करते हो ना ब्रॉडवी को नहीं सुना आपने तो
बहुत बड़ी चीज आपने मिस कर दी बिल्कुल। और इनके इनके बारे में भाई पर एक और बात है, ये ना इनोवेट भी करते हैं, ये ओल्ड स्कूल के साथ या नए स्कूल में और नए तरीके से भी लाते हैं, ये ऐसा नहीं कि मतलब पुराने हैं तो पुराने उसमें ही चल रहे हैं, शुरुआत में ये हमेशा इनोवेट करते गए अपने आप को। अब तो ये तमिलियन में कर रहे हैं, हिंदी में भी इनका मैंने एक रैप सुना था, मतलब पूरा हिंदी में नहीं था, इंग्लिश हिंदी रफ्तार के साथ एक है रफ्तार जिसमें ये स्टेज में आते हैं राइट, बहुत इन्हें नाचने का शौक है, इन्हें नाचने का शौक है यस। अरे उसमें गाना और उसमें बोला भी था मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब हाँ उसमें अपनी स्लो है मेरी हिंदी, इसलिए मुंबई पहुंचने में टाइम लग गया मुझे ऐसे करके कुछ बोला था, बहुत सही बोल रखा है, गजब लिखते हैं यार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत पायनियर्स मान लो अब इंडियन DHH का, बिल्कुल 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 गाइस, तो मतलब बहुत ही सही लिखा हुआ है, ऑप्स के बारे में हिट करा हुआ है कि माय ऑप्स बी विशिंग आई फॉल टू माय डिफीट व्हाइल आई सी प्रॉफिट इन माय स्लीप, भाई कितना खतरनाक लिखा है, क्लोन योरसेल्फ व्हेन स्टिल कुड नॉट बी द सेल्फ मेड, व्हाई यू ऑल आर रिप ऑफ एंड टेम्पलेट, I'll send you all cause I come to whoop here with a godly flow like the Brahmaputra. तो मतलब देखो यार कितना खतरनाक कि तुम्हारे सबके भाई पीछे पीछवाड़े सब साफ कर दिए जाएंगे और जो फ्लो है भाई वो इस तरह का है जैसे ब्रह्मपुत्र जाती है, तुम भाई मेरे मेरे ना क्लोन बना रहे हो तब भी तुम अपना सेल्फ मेड नहीं बन पा रहे हो, मुझे कॉपी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, यू ऑल आर रिप ऑफ्स ऑफ मी, मतलब तुम सब ना मेरी चीप कॉपीज हो, चीप कॉपीज, और तब भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, टेम्पलेट्स और चीप कॉपीज। तो वो ये अपने ऑप्स को बस वो कह रहे हैं मोदू मोदू जो वो कह रहे हैं वो शट अप ही कह रहे हैं, सही लिखा हुआ आई विल सन यू ऑल मतलब तुम बेटे हो, बाप हो तुम, बेटे हो बेटे हो मेरे, तुम सबको ना गोद ले सकता हूं, तुम्हारी इतनी औकात है, गजब लिखा हुआ है यार, वही बोल रहा हूं, ऑप्स को वो कर रखा है पूरी तरीके से गाइस। अच्छे राइटर्स होते हैं वो कभी भी चीजें सीधी नहीं लिखते हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, आपको ना सोचोगे आप क्या लिखा हुआ है इसने, बिल्कुल बिल्कुल, और दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट रैपर वी हैव इन इंडिया राइट, सो उनके वजह से यार वो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारे रैपिंग सीन का इंडिया के राइट, तो भाई मतलब मजा ही आ गया यार, जरा मजा आ गया यार, हैट्स ऑफ टू हिम, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया गाइस, अगर आपने गाना अभी तक चेकआउट नहीं करा है तो इनके ऑफिशियल चैनल पे जाके ब्रदर वी के आप जरूर चेकआउट करें यार, एक अलग वाइब है, और जितने भी डांसर्स हो गए ना गाइज मोदू पे गाना गए, अगर आप हिप हॉप करते हैं तो इस गाने को जरूर लीजिए और हिप हॉप फ्री स्टाइल करिए, बहुत भयंकर गाना है ये परफॉर्म करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात गाइज, तो चेकआउट करें और इसका रिएक्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर, तो आइए हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है, एंड ब्रदर वी के अगर आप फैन हैं तो एक हार्ट तो जरूर ड्रॉप करिए हमारे कमेंट बॉक्स पे, क्योंकि यार हम तो बहुत बड़े फैन हैं उनके हमेशा से राइट। सो गाइज हम फिर वापस आएंगे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ, एक तड़कते फड़कते फील और एक भयंकर रैपर के साथ, टिल देन वी आर ज्वेल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय सियाराम।